हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे कोलिस्टिन सल्फेट यानी कि जो वालामाइसिन-डीएस सिरप यहाँ पे देख रहे हो आप, उसके बारे में। ये वालामाइसिन-डीएस एक ब्रांड है, इसके बाकी भी ब्रांड आते हैं जैसे कोलिस्टॉप, कोलिजिल। आप कोई भी अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर ब्रांड रिकमेंड करने का मेरा यहाँ पर कोई पर्पज़ नहीं है। मेरे एक व्यूअर ने एक क्वेरी पूछी थी वालामाइसिन-डीएस सिरप के बारे में, इसलिए मैं जो वालामाइसिन-डीएस है इसको मैंने आपको एक फ़ोटो इसका बताया है। जो मेन कंपोजिशन है कोलिस्टिन सल्फेट, वो है एक एंटीबायोटिक एजेंट जो खास करके ग्राम नेगेटिव बैसिला के अगेंस्ट यूज़ होता है। दो स्ट्रेंथ में आता है, एक आता है 5 ml में 12.5 mg और दूसरा आता है वालामाइसिन-डीएस जो 5 ml में 25 mg। तो ये जो है स्ट्रेंथ, ये आपको ड्राई सिरप फॉर्म में आता है जनरली जो एंटीबायोटिक है, उसमें जो स्टेराइल वाटर आप मिलाएंगे, साथ में आता है स्टेराइल वाटर, वो मिलाने के बाद वो जो उसका प्रमाण है, अगर वालामाइसिन प्लेन सिरप रहा तो 5 ml में 12.5 mg बन जाएगा और वालामाइसिन-डीएस सिरप रहा तो 5 ml में 25 mg बन जाएगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आउटर सेल वॉल जो रहती है बैक्टीरिया की, उसको डिस्टर्ब करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम वहाँ से निकाल देता है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ाता है, वहाँ से फॉस्फोलिपिड्स को अटैच हो जाता है जाके, और परमेबिलिटी बढ़ने के कारण वो लीकेज तैयार हो जाता है, बैक्टीरिया की जो अंदर के स्ट्रक्चर है वो बाहर आ जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस तरीके से वो डॉक्टर जो बैक्टीरिया है उसका विनाश करता है। ये खास करके ग्राम नेगेटिव बैसिलाई पे इफेक्टिव है। जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई जनरली एब्डोमिनल इन्फेक्शन या डाइजेस्टिव ट्रैक के इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, ये जो डायफ्राम के नीचे के स्ट्रक्चर रहते हैं उसमें ग्राम नेगेटिव बैसिला खास करके इन्वॉल्व रहते हैं, तो इस ऐसे इन्फेक्शन में इसका यूज़ देखा गया है। ओरल फॉर्म है इसका कोलिस्टिन सल्फेट। दूसरा जो एक फॉर्म आता है वो इंजेक्टेबल आता है, उसको हम इसमें कवर नहीं करेंगे, हमको सिर्फ ओरल फॉर्म देखना है कोलिस्टिन सल्फेट का। उसकी जो इफिकेसी है ओरली 50-70% अवेलेबिलिटी है। आप इसको फूड के बाद, मतलब खाने के बाद ले सकते हो, या अगर इन्फेंट में दिया है, 6 महीने के नीचे जो बच्चा है उसमें अगर दिया है तो उसको फीडिंग के बाद दे सकते हो। सुडोमोनास अरेजिनोसा, लेंजियोला स्पीसीज और एच इन्फ्लुएंजा, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, विब्रियो कॉलरा, सलमोनेला एंड शिगेला, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसके अगेंस्ट काफ़ी यूज़फुल है। अगर ये ऑर्गेनिज्म से आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, डायरिया, डिसेंट्री हुई है, तो ऐसे समय कोलिस्टिन सल्फेट के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। इसको आप दिन में 2 या 3 बार डिवाइड करके दे सकते हो। और जो कुछ ऑर्गेनिज्म है, जब जैसे कि प्रोटियस, प्रोविडेंशिया एंड सिराटिया, तो इसके अगेंस्ट कोलिस्टिन का कोई खास यूज़ नहीं देखा गया है। ये ऑर्गेनिजम्स कोलिस्टिन को थोड़े से रेजिस्टेंट है। इसका जो ओरल फॉर्म में डोज है वो है 5-15 mg पर kg पर डे। तो वेट के हिसाब से डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपको इसको कितना डोज देना है बच्चे को। आप कभी भी एंटीबायोटिक अपने सलाह से, अपने मन से यूज़ मत कीजिए, या किसी केमिस्ट के, किसी के दोस्त के सलाह से यूज़ मत कीजिए। आप हमेशा ये एंटीबायोटिक डॉक्टर के सलाह से यूज़ कीजिए। ये काफ़ी रिजर्व्ड एंटीबायोटिक है। अगर इसका ऐसे ओवर द काउंटर यूज़ होने लगा तो इसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और ऐसे ही हर एक एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो गए तो कल हमको बीमारी में देने के लिए या बच्चों को ठीक करने के लिए कोई एंटीबायोटिक बचेगा नहीं। तो हमारे इंडिया में खास करके जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक मिल जाते हैं, ये काफ़ी बुरी चीज़ है, और पेरेंट्स ने भी ये बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक आप हमेशा डॉक्टर की सलाह से दीजिए, और जब भी आप देते हो तो डॉक्टर ने जितने दिन का कोर्स बताया या पूरा कीजिए। अगर उसको रिलीफ भी मिले तो भी आपको पूरा 5-7 दिन अगर कोर्स बताया तो पूरा करना है। दूसरी बात, कोलिस्टिन सल्फेट अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देते हो, ओवर टॉक्सिसिटी, ओवर डोज में देते हो, तो इसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। और दवाई लेने के बाद अगर कुछ भी आपको एलर्जी रिएक्शन, कुछ रैशेस अगर बदन पे दिखते हैं, तो आपको तुरंत दवाई रोक के डॉक्टर की सलाह लेना है। तो हमारे मार्केट में तो जनरली एज अ डायरियल प्रोडक्ट, एज अ एंटी डायरियल प्रोडक्ट ही इसको मार्केट किया जाता है, लेकिन इसका डायरिया के अलावा भी काफ़ी इन्फेक्शंस में, जैसे ग्राम निगेटिव जहाँ पे भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पे यूज़ है। कुछ निमोनिया के केसेस रहते हैं जिसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रहता है, वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और इवन NICU में भी जो इंजेक्टेबल फॉर्म है इसका यूज़ होता है। अगर सीवियर सेप्टिसिमिया है, इन्फेक्शन है, जो नवजात शिशु है उसमें इन्फेक्शन अगर रहता है, और बाकी अगर एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो ऐसे समय हम एडजोइंट थेरेपी करके इसको भी ऐड करते हैं। तो ये हो गई कुछ जानकारी कोलिस्टिन सल्फेट के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।